हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और शुरू करते हैं हमारे आज के हैक्स। जब भी आप अपने कैबिनेट में इस तरह से अपने पेंट्री के चीज़ों को रखते हैं और थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आप वहाँ पे मैगज़ीन होल्डर रख सकते हैं। बस आप मैगज़ीन होल्डर में आप जो चाहे अरेंज कर दीजिए, चाहे तो आप इसमें रोल्स रख सकते हैं या आप अपने स्नैक्स के पैकेट्स को भी इसमें अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कैबिनेट का पूरा स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। मैगज़ीन होल्डर को आप अपने फ्रिज के अंदर में रखिए, सारे कॉन्डिमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। इस तरह से आपको मैगज़ीन होल्डर के अंदर और ऊपर का स्पेस भी मिलेगा, तो आप वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज़ कर पाएंगे फ्रिज के अंदर। सारे स्पून्स को काउंटर पे ही ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह के सेरेमिक पॉट को लेकर आ सकते हैं नर्सरी से। चाहे तो आप इसे लेबल कर दीजिए, उसके बाद आप अपने सारे स्पून को सेग्रीगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। गंदे किचन टॉवल को स्टोर करने के लिए आप एक अलग बास्केट रखिए, सो डैट इट कैन बी क्लीन राइट अवे और इसको आप रीयूज कर पाए बार बार। पल्सेस एंड बीन्स को बल्क में बाई करने के बदले आपके पास जितने भी कैपेसिटी का कंटेनर है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपने बीन्स या पल्सेस को लेकर आएँ। जैसे कि आपके पास 1 किलो का कंटेनर है, तो आप 1 किलो का पैकेट ही लेकर आएँ। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा बास्केट बहुत यूज़फुल है, बहुत चीप रेट में आपको अमेज़ोन से मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे स्पॉन्जेस ऑर्गेनाइज रहेंगे। इसके बॉटम में होल किया हुआ है, तो सारे स्पॉन्जेस से जो भी पानी रहेगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा और सारे स्पॉन्जेस तुरंत की तुरंत ड्राई हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, इवन टैप में भी। और ये एडजस्टेबल है, तो आप जहाँ भी लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप इसे एडजस्ट कर पाएंगे। बाथरूम एसेंशियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एस हुक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाथरूम में रॉड लगा है, एस हुक को लगाइए और कोई भी बास्केट को हैंग कर दीजिए और उस बास्केट में आप अपने सारे बाथरूम एसेंशियल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इस तरह से आप काफ़ी स्पेस सेव करेंगे अपने बाथरूम में। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस चाहते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहते हैं अपने किचन में, तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट हुक को यूज़ कीजिए। मैंने इसे कैबिनेट के नीचे में लगाया हुआ है, सो डैट आई कैन यूटिलाइज द स्पेस बिलो द कैबिनेट। उसमें मैं इस तरह के छोटे छोटे से बास्केट्स को हैंग कर रही हूँ। ये मैंने 10-10 रुपीस में जो रोड साइड प्लास्टिक की शॉप्स होती है वहाँ से मैंने लिए थे। इसमें आप अपने छोटे छोटे आइटम्स को रख सकते हैं जो डेली आपको यूज़ होने वाले हैं, लाइक मेडिसिंस जो आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, डेली आपको लेना पड़ता है, कुछ क्लिप्स, कुछ रबर बैंड्स, इस तरह के आइटम्स आप इस छोटे बास्केट्स में हैंग कर सकते हैं। इस तरह से सब कुछ आपके सामने रहेगा, आपको कहीं भी कुछ भी डोर वगैरह खोलने की, कैबिनेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईजिली आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर किचन। ये एक ब्यूटीफुल सा स्पाइस बॉक्स है जिसमें 4 कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। एक एक कंपार्टमेंट का साइज अच्छा है, आप अच्छी क्वांटिटी में इसमें स्पाइस को रख पाएंगे। साथ ही हर कंपार्टमेंट के लिए एक एक स्पून भी दिया हुआ है एंड इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, विल नॉट टेक मच स्पेस इन योर किचन। इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर फोल्डिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ किचन टॉवल फॉर ए special occasion, then fold it like this.
Now you can use any basket to organize all these towels. हम अपने किचन कैबिनेट में इस तरह के बास्केट यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को स्टोर करने के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि इसका वर्टिकल स्पेस हमेशा वेस्ट जाता है, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने लिया है कार्डबोर्ड, उसे कवर किया है एक पेपर के साथ और उसके ऊपर मैं एक और बास्केट ले रही हूँ और उसे स्टिक करूँगी ग्लू गन की हेल्प से। अब जो बास्केट ऑलरेडी मेरे कैबिनेट में था उसके ऊपर मैं ये कार्डबोर्ड लगा हुआ बास्केट को रखूंगी और देखिए बहुत अच्छे से इसका वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हो रहा है। ऊपर के बास्केट में भी हम बहुत सारे चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं और नीचे के बास्केट में भी। अगर आपके पास इस तरह का माइक्रोवेव स्टैंड है और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे एज ए शेल्फ राइजर यूज़ कीजिए अपने कैबिनेट के अंदर। So I hope all these hacks and ideas will be useful for you to make extra storage in your kitchen and save lots of space. I will meet you soon in the next video. Please consider subscribing my channel. Till then, bye and take care.